किस्से सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। प्रेमी सज्जनों की सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं किस्सा सोहनी महिवाल। जी हां सज्जनों, हीर रांझे, लैला मजनू और लीलो चमन जैसी ये मोहब्बत की कहानी है जिसका नाम है श्रोताओ सोहनी माहिवाल। गुजरा गांव में एक तुल्ला कुम्हार रहते थे, लेकिन औलाद बिना परेशान है। और उधार एक बुखारा गांव में सौदागर बिना औलाद के परेशान है। सजनों, तुल्ला कुम्हार और उनकी घरवाली आपस में बिना औलाद के कितनी तंग दस्ती भुगत रहे हैं और आपस में अब तो बातचीत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कुदरत से इबादत करनी चाहिए या किसी फकीर मौलवी के पास जाना चाहिए। सुनेंगे, शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। कुम्हारी, कहिए स्वामी। आखिर ये चेहरे पे उदासी और आज तो बहुत ज्यादा निराशा दिखाई दे रही है। जी हाँ महाराज, क्या गम है? आप मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। औलाद बिना दुख दिल में जबरी कुदरत कर रही तमाशा, संसार लगेरी सुना सा, संसार लगेरी सुना सा। औलाद बिना दुख दिल में जबरी कुदरत कर रही रे तमाशा, संसार लगे यो सुना सा, संसार लगे री सुना सा। तुम्हारी जब तेरे दिल में दर्द है बिल्कुल ठीक उसी तरह से मुझे भी वही तकलीफ। अच्छा महाराज, फिकर सतावे ओ लाद का फिकर सतावे, गई सुख फिकर में काया ना कुछ दुनिया मेरी भावे ना, कुछ दुनिया में भावे चिंता खावे मन दुख पावे, जनता का चुभे कांटा सा, संसार लगे री सुना सा, सुद रत कर रही रे तमाशा। चिंता
गाते दुनिया कहे बे औलादी एक जी में सिया बे में करूरी दूसरी शादी में करूरी दूसरी शादी दिल रहता दुखी हम नहीं है सुखी मारे घर में कल है काबासा संसारी लगरी सुना सा खुद रत कर रही री तमाशा भरे गझोली खाली कद भरे गझोली खाली करे कोख हरी सिलगम की धरी मारी कर दे दूर निराशा संसारी लगरी सुना सा सुन रत कर रही अमित विसंग में गावे मिल अमित विसंग में गावे ओ मेरी मानो सलाह हो सकता भला मन रहता प्यासा प्यासा संसारी लगेरी सुना सा खुद रत कर रही सौदागर के घर में गमी है और उधार तुल्ला कुम्हार के घर में वही कल है होनहार की बात कि नजदीक एक फकीर बाबा रहते बुखारा का सौदागर और गुजरा गांव का तुल्ला कुम्हार दोनों औलाद के लालच में साईं जी के पास पहुंच गए और दोनों की बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अंजाम तुम बने रहे ए बंदे
अनजान तुम बने रहे ये और बात है। ऐसा तो क्या कि तुमको हमारी खबर ना हो, क्यों आज मुझे अपनी बदनसीबी याद आ रही है और फिर इस बदनसीबी का जिक्र आया तो दुख दूना हो गया। सजनों, साईं जी से बातचीत हो रही है बुखारा के सौदागर की और किन किन लफ्जों में। ये मेरी ठिए पर तुम कौन दिखाई दे रहे हो? बाबा कहिए। मैं एक बुखारा गांव का सौदागर हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरी बात सुन लीजिए। कह डालिए। एक फरियाद है, एक फरियाद है, नहीं औलाद है, हमें औलाद दो, रहे झोली भला। इन फकीरों पे क्या बस दुआ ही दुआ, लो दुआएं मेरी हो तुम्हारा भला। एक फरियाद है, नहीं औलाद है, हमें औलाद दो, रहे झोली भला। इन फकीरों पे क्या बस दुआ ही दुआ, लो दुआएं मेरी हो तुम्हारा भला। एक फरियाद है, तुम मेरे पास अरदास लेकर के आए हो? जी हाँ फकीर बाबा। तो इन फकीरों पे क्या लौंडे धरे हैं? लेकिन बाबा इन फकीरों की दुआएं फल जाती हैं। अच्छा। औलाद बिन जीवन में खुशहाल ना, साईं जी खुशहाल ना। जानते जगत का गहरा जंजाल ना, तम बच्चा जंजाल ना। औलाद बिन जीवन में खुशहाल ना, साईं जी खुशहाल ना। जानते जगत का गहरा जंजाल ना, तम बच्चा जंजाल ना। कुछ रहम करो, मत बहम करो, हम निर्भागियों का इबलो बंस ना चला। इन फकीरों पे क्या बस दुआ ही दुआ, लो दुआए मेरी हो तुम्हारा भला। एक फरियाद है, नहीं औलाद है, हमें औलाद दो, रहे झोली भला। एक फरियाद है, वो खुदा के पैदा करने वाले बंदे। जी हाँ, इन फकीरों पे सिवाय दुआ बंद की दुआ सलाम के अलावा कुछ नहीं। तो लेकिन फकीर बाबा, हमें तो चाहिए दुआई बस आपकी। दुआ बंदगी ते बढ़ के, दुआ बंदगी ते बढ़ के, बेहतर नहीं बात कोई, बेहतर नहीं। खुदा और फकीरों में कोई अंतर नहीं, साईं जी अंतर नहीं। ओ दुआ बंदगी ते बढ़ के, बेहतर नहीं बात कोई, बेहतर नहीं। खुदा और फकीरों में कोई अंतर नहीं है बाबा, अंतर हो दबे की दवा। हाँ? हो दबे की दवा, सब कमाल खुदा। लो फकीरी दबा होनी
दूर सब बला। एक थारी याद है नहीं औलाद है हमें औलाद तो रहे झोली फला। इन फकीरों पे क्या बस दुआ ही दुआ, लो दुआएं मेरी हो तुम्हारा भला। एक भारी याद है खामोश हो गए। अभी मेरी बात सुन लीजिए बाबा। बोलिए जनाब। औलाद वाले हो हम रौनक बढ़े घर में रौनक बढ़े। फिर खुदा की अजीब माया अच्छा बुरा कैसा टेम कद अड़े। औलाद वाले हो हम रौनक बढ़े हमारे घर में रौनक बढ़े। उस खुदा की अजीब माया अच्छा बुरा कैसा टेम कद अड़े। वक्त की ये कमी सुकदी हो गमी। हाँ मुकद्दर का लिखा कदी डाले ना टला। इन फकीरों पे क्या बस दुआ ही दुआ, लो दुआएं मेरी हो तुम्हारा भला। एक भारी याद है नहीं औलाद है हमें औलाद तो रहे झोली फला। इन फकीरों पे क्या बच्चा तुम्हारी ऐसी ही बात है बाबा तो वो परवरदिगार आलम तुम्हारा भला करेगा। अच्छा हाँ कोशिश करूंगा। हाँ बाल बच्चा होना चाहिए होगा। हे बाल बच्चा होना चाहिए भूखे नहीं है हम धन माल के। देख देहाती फिल्मी धुन में देहाती फिल्मी धुन में लिखे हुए मिलेंगे किसे ऋषि पाल के। बाल बच्चा होना चाहिए भूखे नहीं है हम धन माल के। मेरी बात सुन ले। हाँ? और देहाती फिल्मी धुन में लिखे होएंगे किसे ऋषि पाल के। स्वर ताल भी मिले गहरा ख्याल भी मिले गबैया हो सुथरा जिसका मधुर हो गला। एक भारी याद है नहीं औलाद है हमें औलाद तो रहे झोली फला। इन फकीर बस दुआ ही दुआ, लो दुआएं मेरी हो तुम्हारा भला। एक भारी याद है आमने सामने खड़े हुए हैं रहम दिल फकीर को दया आ गई और फकीर ने देर नहीं की कहने लगे फकीर बाबा सौदागर तुम्हें मैं एक सफेद रंग का फूल देता हूं।
और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुल्ला कुम्हार है। और तुम्हारे लिए एक लाल रंग का फूल देता हूँ, तुम्हारे दोनों के औलाद होगी। तुम्हारे घर में जिनका नाम तुल्ला कुम्हार है लड़की पैदा होगी, और सौदागर के घर लड़का पैदा होगा, सौदागर के लड़के का नाम माहीवाल होगा, और तुल्ला कुम्हार के घर जन्म लेने वाली लड़की का नाम सहजादी सोहनी होगा, और इनकी खूबसूरती का दुनिया में रुका होगा। सुनिए, जा अजमाओ होगी तुम्हारे औलाद, दुआ फकीर की भूल तो ले जाओ, इन्हें जा अजमाओ होगी तुम्हारे औलाद, ये दुआ फकीर लड़के का
मेरा नाम लड़की का नाम हो सोहनी, सोहनी और महिवाल हो, दुआ फकीर की फूल तो ले जाओ, इन्हें जा अजमाओ, होगी तुम्हारे औलाद, ये दुआ फकीर की फूल तो ले जाओ, इन्हें जा अजमाओ, होगी तुम्हारे औलाद। पैदा होगी जिसे मैं लाल रंग का फूल दे रहा हूं, और एक के घर में लड़का होगा जिसे मैं श्वेत रंग का फूल दे रहा हूं, और ये दोनों बच्चे होनहार होंगे। शोहरत में इनका रुका होगा, बहुत खूबसूरत होंगे। प्रेमी सजनों, ऐसा ही होता है, दोनों सौदागर और तुल्ला कुम्हार जाति के एक ही हैं, मोमडन हैं। बेचारे खुश मिजाज फकीर के पास से चले आ रहे हैं। प्रेमी सजनों, समय ने पलटा खाया, एक के घर में लड़की ने जन्म लिया और एक के घर में लड़के ने, लड़की का नाम जब फकीरों से बूझा तो सोनी रख दिया गया और लड़के का नाम माहीवाल रख दिया। दोनों बच्चे उर्ग मसीह के चंदा की तरह से दिन दुनी और रात चौगनी स्वस्थ तंदुरुस्त होते चले गए, और जब वे जवान हो गए दोस्तों तो फिर क्या था, दोनों की मोहब्बत भी दिखाई जाएगी और किस तरह से इन दोनों का ये श्री गणेश होगा आप भी साइड में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, तुल्ला कुम्हार की बेटी सोहनी चित्रकला में बड़ी निपुण हो गई, बर्तन बनाने का शौक उसे बहुत ज्यादा पड़ गया, और उधर कितनी ही विद्याओं में कुशल हो गए माहीवाल। एक रोज का जिक्र कि सोहनी ने एक बहुत खूबसूरत सुराही का निर्माण किया, और जिसमें अंदर अपना खूबसूरत चित्र छाप दिया, और बाहर की सजावट तो बेमिसाल थी।
दोस्तों, एक हाशिम नाम के आदमी के द्वारा सोहनी के पिता ने जिस फकीर की दुआ से सोहनी पैदा हुई थी उसके पास एक तोहफा के रूप में सुराही भेज दी और बताया, जब बुझा फकीर ने इस सुराही को इस कारीगर ने बनाया है तो बता दिया सोहनी नाम की लड़की ने बनाया है जिसके पिता का नाम तुल्ला कुमार। फकीर ने देर नहीं की, हाशिम के हाथ वही सुराही माहीवाल के पास भेज दी और माहीवाल ने जब सुराही को झांक कर देखा तो जल से भरी सुराही में कितना खूबसूरत चित्र दिखाई दे रहा था, जैसे कोई परी का हुस्न खिल रहा हो और कैसे अचंभे में पड़ रहा है माहीवाल। देख सुराही रे के कमाल उस कारीगर का जिसने यह बनाई रे। महीवाल ने ये अचरज होया सुंदर देख सुराही रे के कमाल उस कारीगर का जिसने यह बनाई। चकराया
बनाई रे माहीवाल ने हे अचरज हो रहा सुंदर देख सुराई रे के कमालों से कारीगर का जिसने यह बनाई रे खड़ा चकरावे हो पकड़े खड़ा सुराही के माँ भीतर बाहर लखावे हो के सोचे ऋषि पाल दिल में है रसी आवे हो को सुंदर बता माही वाल ने को में आज समझावे हो अमित सुनावे हे बालकपन में तरजों की कारीगर का जिसने यह बनाई रे माहीवाल ने हे अचरज हो रहा सुंदर दे सुराही रे के कमाल उस कारीगर का जिसने यह बनाई प्यारे साथियों अब तो माहीवाल के अचंभे का ठिकाना नहीं और बर्दाश्त नहीं हो पाई कहने लगा सुराही को लाने वाले मुझे ये तो बता दे कि आखिर इस सुराही के भीतर ये फोटो किसका छपा हुआ है किस तरह से दोनों के जवाब सवाल होने शुरू हो गए माहीवाल मेरी बात सुन ले कह दो देख के सुराही ने खड़ा सोचे के माहीवाल के होया अचंभा आमे के ख्याल के होया अचंभा आमे के ख्याल ए कौन चित्रकार जिसने दिखाया कमाल यो फोटो किसका छपा बेमिसाल माहीवाल कहिए इस सारे ढेर को बताऊंगा किसका फोटो है किसने ये सुराही बनाई है बताओ तेरा मना गया इसमें के मौन होया क्यों माहीवाल क्यों कतिर बोलना बंद होया धन्य भाग मेरे साईं अज काया में आनंद होया मौन होया क्यों माहीवाल क्यों कतिर बोलना बंद होया धन्य भाग मेरे साईं अज काया में आनंद होया कंद मूल मिल गया सके कंद मूल मिल गया सके मेवा की डाल यो फोटो किसका छपा बेमिसाल के होया अचंभा आमे के ख्याल माहीवाल कहिए तुम खामोश क्यों हो गए कुछ बोलते क्यों नहीं हो और जरा बताओ अपने दिल की बात बोलो बोलो चाहत का हो घाव बुरा ना सहतर जख्म दबाई ने गदगद हुआ शरीर धीर
चाहत का हो घाव बुरा ना सहता जख्म दवाई ने। ए सुंदर परछाई ने मेरा करा कर जा घाल, के होया अचंभा आ मैं के ख्याल, यो फोटू किसका छपा बेमिसाल, देख के सुराही ने के देख के सुराही ने खड़ा सोचे के महिवाल, यो फोटू किसका छपा बेमिसाल, के होया अचंभा आ मैं के ख्याल। केवल चित्र देख के तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ गई माहिवाल, अगर ये सूरत सामने होती तो फिर क्या होता। चित्र नहीं, चित्र नहीं मन मोहया कारीगर की यो हिर कलाकारी, ये चित्रों से जिस हुर परी का मिलन न तबियत ललचारी, चित्र नहीं मन मोहया कारीगर की युहर कलाकारी, चित्र चित्रों से जिस हुर परी का मिलन न तबियत ललचारी, और फोटू पे तबियत यारी रे फोटू पे तबियत यारी, यो अचरज से माहिवाल, यो फोटू किसका छपा बेमिसाल, के हो यारे अचंबा मैं के ख्याल। ए कौन चित्रकार जिसने दिखाया कमाल, के होया अचंबा आ मैं के ख्याल। और आखिर में कुछ और कहना चाहोगे? हाँ, डामाडोल डामाडोल हुआ मन मेरा किसकी यह अमानत से, प्यार ते पैदा इश्क हुआ आशिक कर अंत कयामत से, डामाडोल हुआ मन प्यार ते पैदा इश्क हुआ आशिक का अंत कयामत से, ए मजा के मोहब्बत में हुआ शर्मिंदा रिसपाल, के हुआ अचंबा आ मैं के ख्याल, यो फोटू किसका छपा बेमिसाल, और देख के सुराही ने खड़ा सोचे के महिवाल, यो फोटू किसका छपा बेमिसाल, के होया अचंबा आ मैं के ख्याल। प्यारे मित्रों, चित्रकारी का ही कमाल था। जो कारीगरी सुराही के अंदर सोहणी ने दिखाई थी उसका कोई जवाब नहीं था, बेजवाब छपाई थी। महरूम हो गए माहिवाल उस चित्रकारी को देख करके, और फिर जब उस खूबसूरत चेहरे को देखा तो फिर तो उतावले हो उठे और बेचैन होकर कहने लगे, हाशिम प्यारे दोस्त मुझे ये तो बता दे कि आखिर ये सुराही किसने बनाई है, और ये इस सुराही के भीतर जो खूबसूरत चेहरा छपा हुआ है ये किसका है, इसका नाम क्या है, इसके मां और बाप का नाम क्या है, इसका ठिया ठिकाना कहां है, मैं इसे
प्राप्त करना चाहता हूँ। इस खूबसूरत को देख करके मेरी चाहत बढ़ती जा रही है हाशिम, जल्दी से बताते क्यों नहीं हो, बताओ मुझे इसका आता पता। एक लहर उठी जिस प्यार की, छोरी है कुम्हार की, सुराही जिसके हाथ की, जिसका गुजरा गाम से जिसका गुजरा गाम। लहर उठी जिस प्यार की, छोरी है कुम्हार की, सुराही जिसके हाथ की, जिसका गुजरा गाम, जिसका गुजरा गाम। छोरी है तुम्हार की।
हाथ की जिसका गुजरा गाम, जिसका गुजरा गाम। लगाए माहीवाल चित्र को बराबर देख रहे हैं और उधर हाशिम से भी बातें हो रही हैं। हाशिम बता रहे हैं, माहीवाल ये खूबसूरत चेहरा सोहनी नाम की लड़की का छपा हुआ है, इसके पिता का नाम तुल्ला कुमार है और ये गुजरा गांव की रहने वाली है। ये स्वयं इस चित्रकला में कुशल है, स्वयं सोहनी ने अपना चित्र इस सोराही के अंदर बनाया है। प्रेमी सजनों क्या बात की, माहीवाल देखते 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 और ये सोच रहे हैं एक परवरदिगार आलम कब मिलाएगा इस हुस्नदार परी से। रात हो गई, नींद आ गई और ख्वाबों ने माहीवाल को घेर लिया चौगिरदे से। क्या आलम था, करवट बदल रहे हैं माहीवाल, सुनिए। इश्क मोहब्बत में सोहनी ने देरा सपन दिखाई, माहीवाल ते सपने में सोहनी हज हज बतलाई। इश्क मोहब्बत में सोहनी ने देरा सपन दिखाई, माहीवाल ते सपने में सोहनी हस हस बतलाई। जन्म जन्म का प्यार आज सोहनी के मन में छाया, रूप सोहना सोहनी का सपने में आनंद आ रहा। प्यार का पंछी उड़ उड़ के घना गजब सपन में ढारा, मगन मोहब्बत में सोहनी का सुंदर सूप सुहारा।
रज आरा घना सपन में मुलाकात हो पाई। खूब सुनी कुदरत ने मारी रे होरी से मन चाही। सुगड़ सजीला नौजवान सोनी के दिल ने झटके रे सोनी प्यार करे माही के गले तल पटल पटके। खूबसूरती में माही का रूप जिगर ने खटके परिस्तान की परी काल जे ले दे देके पटके। मन भटके सोनी का इश्क में इश्क की इश्क दबाई। चाहत छनक मोहब्बत में एक सपने की परछाई। माही कहे कद माही वाल सब प्यार में सोनी कहरी। यारी बाढ़ प्यार की लहरों में तबीयत सी बहरी। दर्द मोहब्बत का सोनी दिल में आनंद सा सहरी। हुस्न गजब का सोनी का अज चोट मार रहा गहरी। खुली कचहरी आशिक और मासूक की आवाज आई। इश्क में अंधे ने दिखे अच्छाई नहीं बुराई। इश्क का भूत सवार होया सोहनी भूली जग सारा। ढाई माही वाल आकाश का चांद सितारा। उम्र जवान कवारी सोनी माही वाल भी प्यारा। इस कारण दिल एक दूसरे का दुनवान चारा। इश्क सतारा प्रेम की दरिया में बड़ सोनी नाई। कर्म की पूजा ओ सुंदर कर रसी पाल कवताई। इश्क मोहब्बत में सोनी ने तेरा सपन दिखाई।